अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कशिर खबरनामा हेत चुस साहिल अमीन तुहंदिस खिदमतस मंज हाजिर तो पेश खबरन हुन तफसील। मरकजी वजारत दाखिल तरफ आज एकिस हुकुम नामस तहत जम्मू कश्मीर पुलिसस मंज बड़िस पैमानस पेट तब्दीली हिंद अहकाम सदर करना आमत। हुकुम नामस मंज अलपल वुह खोत ज्यादा पुलिस अफसर हिंज तब्दीली अमले मंज अन्न आमत। तब्दील करना आमतन अफसरन मंज रईस मोहिद्दीन बट एस पी वर्मुल, डॉक्टर विनोद कुमार एस एस पी पुंछ, संदीप चौधरी एस एस पी श्रीनगर, चंदन कोहली एस एस पी जम्मू, डॉक्टर जी वी संदीप एस पी कुपवारा, सुधांशु वर्मा एस पी सोपोर, संदीप गुप्ता एस पी हंदवारा, सीमा नबी एस पी राजौरी, पी डी नितिया एस पी रामबन, सुहेल मुनवर मीर एस पी गांधरबल, शेख जुल्फकार एस पी सिक्योरिटी कश्मीर, ताहिर सहीद सलीम एस पी बड़गाम, मोहम्मद यूसुफ एस पी अवंतीपोरा, शफकत हुसैन एस पी कश्तवाड़ तैनात करना आमद। यलजन शैलेंद्र मिश्रा, राहुल मलिक, शरदर पाटिल, ए एस धनेकर, डॉक्टर हसीब मगल, रश्मि वजीर, जावेद इकबाल ते के ए पोसवाल श्रीनगर अटैच करना आई। जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह दिलबाग सिंहन आज जम्मिस मज अक तकरीब पत जराई इबलागस सत कत करान वोनमुत अमरनाथ यात्रा हवाल च इंतजामिया तरफ इंतजाम हतमी शक्ल दिन यवान। यल जन तिमो मिल्टनसी हवाल कत करान वोन ज मिल्टनसी मुखालिफ कारवाईन दौरान चु नौजवानन कौमी दायरस मज शामिल सपदन मौक फराहम करने यवान। बनते वहां और आगे जो ट्रैक हमारे दोनों तरफ बालटाल और पहलगाम की तरफ से जाते हैं वहां तमाम इंतजाम जिस तरीके से पिछले सालों से करते चले आ रहे हैं उसी पैटर्न के ऊपर इंतजाम इस बार भी प्लान हो रहे हैं और वो मुकम्मल इंतजाम जो सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी हैं वो किए जाएंगे। इस तरह का कोई ऐसी खबर नहीं है सर। कोई स्टिक है वो कितना एक चैलेंज रहेगा क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी आ रही है? स्टिकी बॉम्ब अब धीरे धीरे पुरानी बात होती जा रही है मगर नई खुरफात है ये जरूर कहने का है। अभी तक इस तरह का सिलसिला काफी सालों से नहीं था मगर अभी कुछ जो अमन दुश्मन ताकतें हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से इस तरह की कार्रवाइयां करने में हमेशा लगी रहती हैं उनकी तरफ से एक नया सामान है जो तैयार करके भेजा गया है। मैग्नेट के साथ एक छोटी सी आईडी बना रखी है जो गाड़ी और मेटल सरफेस जो है उसके साथ जिसको चिपकाया जा सकता है। ये एक थ्रेट है मगर हमारी अपनी सिक्योरिटी ड्रिल्स हैं जिसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। सर अभी जिस तरह चार लड़के हैं उनको वापस लाया गया है तो किस तरह की ये कोशिशें हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की कि जो भटक गए हैं वो वापस आएं? देखिए ये कोशिशें पिछले चंद सालों से खासतौर पे 2020 में हम लोगों ने बहुत शिद्दत से शुरू की और फिर जारी रखी। उस पूरे साल के दौरान कोई 3 दर्जन के करीब ऐसे लोग हैं जिनको घर से दौड़ जाने के बाद माँ बाप की गुजारिश के ऊपर और उनके सहयोग के साथ वापस लाया गया। वो लोग लगभग अपने घरों में अमन अमान से बैठे हैं, नॉर्मल जिंदगी अपनी इस वक्त बतीत कर रहे हैं। इस साल भी ये सिलसिला जारी है और हम लोगों की कोशिश है कि जो भी लड़के जो अमन दुश्मन ताकतें जहां पर जो नौजवान पीढ़ी को बर्बाद करने के ऊपर तुली हुई हैं, जम्मू कश्मीर सोसाइटी को नुकसान पहुँचाने पर तुली हुई हैं, हम उनको गलत रास्ते पे जाने से रोके हैं और उसमें हमें कामयाबी मिल रही है। बहुत सारे बच्चे इस बात को समझ रहे हैं, बाद में एहसास होता है उनको कि हम गलत रास्ते पे चले थे और बाद में शुक्रिया भी अदा करते हैं पुलिस का और फोर्सेस का कि हम लोगों को वो रास्ता जो तशद्दुद का, जुल्म का, मरने मराने का और अल्टीमेटली खुद मर जाने का रास्ता है उससे हमें वर्जा गया, उससे हमें रोका गया, वापस लाया गया है। मैं समझता हूँ ये सिलसिला हम इस तरीके से जारी रखेंगे। इसके साथ अब तो हम चलते हुए एनकाउंटर में भी लोगों को सरेंडर करने का मौका देते हैं। हथियार के साथ अगर टेररिस्ट उस वक्त एनकाउंटर में शामिल है तो भी हम उसको मौका देते हैं। और पिछले साल कोई 1 दर्जन लोग ऐसे थे जिन्होंने लाइव एनकाउंटर के दौरान सरेंडर किया। टॉप कमांडर्स भी अभी मारे गए अभी रिसेंटली भी एक जी टॉप कमांडर अभी एक तो नॉर्थ कश्मीर का जो टॉप कमांडर था लश्कर का गनी खोजा जिसको कहते हैं वो मारा गया उस एरिया में और इस तरफ जो जैशे मोहम्मद था सजाद अफगानी वो अभी हाल ही में शोपियां में एनकाउंटर में मारा गया है। उसके अलावा जो नई तंजीमें इन्होंने खड़ी करी थी लश्कर मुस्तफ़ा उसका हदायतुल्ला जो टॉप कमांडर था उसको और उसके बाद नजीर
जो एक और नई ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई थी उसका टॉप कमांडर उसको बनाया था। ये दो लोग पकड़े हैं और दो लोग मारे गए हैं एनकाउंटर्स के दौरान। अभी साल में भी 12 के करीब जो आतंकी हैं वो अभी तक ख़त्म हो गए हैं और 3 दर्जन के करीब ऐसे लोग हैं जिनको अलग अलग मॉड्यूल्स की फॉर्म में हम लोगों ने पकड़ लिया है। जम्मू कश्मीर डीजी सीआरपीएफ कुलदीप सिंह ने नई दिल्ली में सीआरपीएफ तरफ मुनद अकिस तकरीब दौरान जम्मू कश्मीर हंदन हालात जिक्र करान वोनमुत जम्मू कश्मीर में हालात बेहतरी कुन पकान। मैं बताऊंगा जिसमें जम्मू कश्मीर के बारे में अगर मैं बोलना चाहूं तो पिछले एक वर्ष और परसों तक मतलब 17 मार्च तक की जो फिगर है उसमें मारे गए आतंकवादियों की संख्या 226 है, पकड़े गए आतंकवादियों की संख्या 296 है, जिन आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया उसकी संख्या 8 है, जो हथियार बरामद किए गए हैं उसकी संख्या 378 है, जितनी आईडीज बरामद की गई हैं उसकी संख्या 41 है और टोटल जो हमले और मुठभेड़ें हुई हैं उनकी संख्या 275 है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन 8 चरणों में हुए थे उसको सीआरपीएफ ने निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से आयोजित करवाया और उसमें सक्सेस पाई। जम्मू कश्मीर में तैनात बटालियनों के प्रयोग हेतु 2 बख्तरबंद गाड़ियां और 21 बुलेट प्रूफ जिप्सियों एवं 19 बुलेट प्रूफ वन टनर को भी एक्स्ट्रा शामिल किया गया जो वहां की फ्लीट को एनहांस करती है। एलडब्ल्यूई में उत्तरोत्तर विभिन्न वर्षों में घटनाओं में कमी आई है और सिमिलर पीरियड में पिछले 2020 से लेकर 17 मार्च 2021 तक की अवधि में मारे गए आतंकवादियों की संख्या 37 के करीब रही है, पकड़े गए आतंकवादी 710 हैं, आत्मसमर्पित 448 हैं, बरामद हथियार 242 हैं, बरामद आईईडी 710 हैं और मुठभेड़ में 77 मुठभेड़ें हुई हैं। इसी के दौरान सीआरपीएफ कार्मिकों के शीघ्र चिकित्सा के लिए बासापुड़ा भेजी इत्यादि जगहों पर फील्ड सर्जिकल यूनिट्स स्थापित की गई हैं जिससे किसी जवान को या किसी ऑफिसर को किसी तरह की अगर असुविधा हो ऑपरेशन के दौरान कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे छोटी मोटी सर्जरी से लेकर के और बाकी ट्रॉमा या जो अदर फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है वो उनमें उनको मुहैया कराई जा सके। जैसा कि आप बोल रहे हैं स्टिक बम की बात, ये अभी इसके बारे में इंटेलिजेंस है और इसके बारे में सुना गया है कि हाँ ये चीजें आ सकती हैं। अभी कहीं पर इसको यूज करके क्या इसका थ्रेट आएगा इसके बारे में हम अवेयर हैं, लेकिन अभी कहीं ये हुआ नहीं है। वी आर अवेयर ऑफ दिस और जहां कभी कहीं पर भी हम फ्रिस्किंग वगैरह करते हैं, जहां कहीं पर हम किसी गाड़ियों को स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं, उस जगहों पर इसका भी ध्यान रखते हैं कि कुछ अलग से स्टिकी मटेरियल लगा तो नहीं है। लेकिन अभी तक कहीं पर इस तरह की घटनाओं को ऐसा नहीं पाया गया कि स्टिक बम लगाया हुआ पाया गया। बट इसका चैलेंज है, इसकी खबर है, तो डेफिनेटली ये कहीं यूज करने की कोशिश करेंगे। हम उसके लिए अवेयर हैं और हमारी फोर्सेस को उसके लिए ब्रीफिंग दी गई है, सबको बताया गया है। अच्छा, अब साहब बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के जो एडीजी साहब हैं बता रहे हैं कि कहीं किसी गाड़ी में लगाया हुआ नहीं मिला है, लेकिन किसी एक्यूज्ड के इंटरोगेशन पर कुछ जगहों से कुछ स्टिक बॉम्ब मिले हैं, लगाया हुआ नहीं मिला है। वसीम रिजवी सुंद बयान ब्रोह कुन यन पत ये द्रुस मुल्कस मज एहजाजी मुजाहिरन हुंद सिलसिले बदस्तूर जारी छु तत छु आज सोपरस मज नमाज जुमा अदा सपदन पत लूको तरफ एहजाजी मुजाहिर करना आमुत ये दौरान एहजाज में शामिल लूक वसीम रिजवी अस खिलाफ सख्त नारेबाजी करान आस एहजाज में शामिल लूको तरफ छु मरकजी सरकार अस मांग करना आमुत जे वसीम रिजवी अस खिलाफ गे सख्त कार्रवाई अमल मज अन यिन युद्धन मुसलमान हुंद जज्बात दुबार मजरू सपदन। कुरान हमारी शान है, कुरान हमारी शान है, कुरान इत्तेहाद मुस्लिमीन इत्तेहाद जो मैं लड़ चला था तबारक तआला करन नहीं हुआ। इस वसीम रिजवी नाम के इस बदबख्त शख्स ने जो हमारे कुरान पाक की हुरमत पे कुछ इल्जामात आयद किए हुए हैं, तो उम्मत मुस्लिमा
इस बात को कतन बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम अपने इस प्रोटेस्ट के जरिए या यूं कहिए कि पूरे हिंदुस्तान में पूरे दुनिया में इस वक्त मुस्लिम ममालिक में खासकर और वसीम रिजवी के खिलाफ इतने सारे एहतजाजात हो रहे हैं और हम भी इस वक्त जो इन्होंने PIL हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में दायर करी हुई है उससे हम सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश करते हैं कि इस PIL को बिल्कुल खारिज किया जाए क्योंकि उम्मत मुस्लिमा कुरान पाक में किसी तरह का भी कोई भी इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंटर डिस्ट्रिक्ट वस्ताद तरफ आज श्रीनगर में खामोश एहजाज करना आमुत या दौरान एहजाज में शामिल वस्ताद तब्दीली हिंस मांग करान एहजाज में शामिल वस्तादों तरफ वन आमुत जोदव तम पत्मों कैया वर्यो पे मुख्तलिफ जिलन में पन फरज अंजाम दिवान ताहम मुतलिक महकम तरफ तिज तब्दीली अमल मं अन्न यम कि तम जहनी कोफ्त शिकार सपद हम इंटर डिस्ट्रिक्ट टीचर्स जो हैं अपॉइंटमेंट हुए थे 2007 और 2009 में तो पिछले 12 से 14 साल हो गए हैं हम कश्मीर वैली के अंदर मुख्तलिफ अजला में जो हैं काम कर रहे हैं तो हमारी LG इंतज़ामिया से और खसूसन हमारे स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी साहब जो हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारी ट्रांसफ़र जो है वो प्रायोरिटी बेस पर रखी जाए चूँकि हम अपने घरों से 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर हम पुंछ राजौरी से बिलोंग करते हैं तो हमने पिछले 12-14 साल अगर कश्मीर वैली के अंदर दिए हैं तो हमें प्लीज़ हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी वाजिया की जाए कोई टाइम पीरियड जो है वो फ्रेम किया जाए ताकि हम भी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में वापस जा सकें। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शुपियन में वाले मरीजों तरफ शिकायत बवान वन आमुत जोदव अस्पताल में लोग इलाज मालजे बापत ताहम मुतलिक अमल तरफ मरीजन जायदुल मियाद इंजेक्शन दिन कोशिश करना आमुत यम कि और इन वाले मरीज मायूसी हिंद शिकार सपद मरीजों तो तीमारदारों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत अत मामल कुन ग खास जोन दिन युन युद्ध मरीजन हिंद हिफाजत यकीनी बना बच्चे को चार दिन से इंजेक्शन लगा रहे हैं लेकिन मैम यहाँ से कॉल कर रही थी कि बोलो कल से ये इंजेक्शन लगा रहे हैं हम जो इससे पहले वो ठीक है लेकिन कोई मेरी बच्ची को ठीक इंजेक्शन नहीं लगा रहा है यहाँ तो किसी को कोई पूछ ही नहीं रहा जैसे शादी में ये आती है वैसे बैठी रहती हैं ये क्या शादी में ही आती है ये इनको तो पता होना चाहिए हमें यहाँ क्या करना यहाँ मास्क नहीं थे यहाँ इनको वर्दी नहीं जब इनको पता लगा जब यहाँ पता लगा कि यहाँ कैमरे वाला आने वाले मीडिया वाले तब इन लोगों ने वर्दी लाई यहाँ इधर उधर भागना शुरू किया तब वैष्णों को जांच करने लगी ये तो अंदर बैठ के फेसबुक व्हाट्सएप चलाती है क्या ये इंसाफ है ये बच्चों की जाँच है मेरे बच्चे पिछले चार दिन से यहाँ पड़ी है लेकिन इसको अब भी बुखार था अभी अभी इसका बुखार उतरा फिर से इसको बुखार है यहाँ पे जो इंजेक्शन इन्होंने दिए थे इनको पिछले चार दिनों से जो इंजेक्शन ये दे रहे हैं वो सब इंजेक्शन जो है वो एक्सपायर है वो जो इंजेक्शन एक्सपायर जो डेट है उनकी तो इंजेक्शन ये क्या है ये मोनोसेफ है सर मोनोसेफ इंजेक्शन है इसको नमूनिया हो गया था उसमें इनको भरना था बुखार था इसको लेकिन जब ये इंजेक्शन इनको कर रहे थे हमने सोचा चलो चार दिन में ये ठीक हो जाएंगे लेकिन चार दिन हो गए आज तक इसको बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ी तो आप देख सकते हैं फिर हम जब सुबह ऊपर गए वो क्या बोलते हैं CNCU कोई कुछ है SNCU इनका वो कुछ सेक्शन है ना उसमें हम जब पहुंचे वहां पे देख रहे हैं तो मैडम ही वो छुपा रही थी वो जो ये दवाई थी ना ये छुपा रही थी मैडम उसका पता नहीं नाम क्या है मैडम का अगर इस इंजेक्शन से हमारा बच्चा मर जाता हम नहीं देखते तो हमें क्या पता था क्या है क्या कुछ नहीं है लेकिन हम अपने इसीलिए हम अपने DC साहब से और हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल का सुप्रिटेंडेंट है उससे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने स्टाफ को समझाइए कि ये इंजेक्शन किस तरह करना ये कोई अनपढ़ जाहिल तो नहीं लगाए हैं यहाँ पे ये तो पढ़े लिखे हैं ना इनको पहले इंजेक्शन की जांच करनी चाहिए फिर इन्होंने इंजेक्शन भरना चाहिए। बानल कसगुड़स दरमियान ये सफर कम वक्त में तय कर हवाल ज टन तमीर कर आई तो इन वालस वक्त में दशवे टन आमद रफ्त बापत इस्तेमाल मज अन तु बानल के लोको तरफ खुशी हूँ इजहार कर वन आमुत जम टन शुरू सपदन सत्य इलाक लूकन सठा फायदे तो इंतजामिया पज टनल शुरू कर हवाल संजीद कदम तुल देखिए आरिफ भाई जो ये 4 लाइन यहाँ पे तामीर किया गया जो 2 टनल्स तामीर किए गए इससे बनिहाल की आवाम को बहुत ज्यादा फायदा होगा जी। जो बैरूनी मुल्क लोग आते हैं या टूरिस्ट आते हैं उनको भी बहुत ज्यादा यहाँ रियायत मिलेगी क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम जो है बनिहाल से लेके लोअर मुंडा तक है जी। जब हमारा यहाँ भी फिलहाल जो इनाग्रेशन होगी वो रेलवे चौक से जो टर्न होगा वो जाके लोअर मुंडा में गाड़ियाँ निकलेंगी एक तो हमारा 20 किलोमीटर का जो सफर है वो कम होगा जी।
हमारे बच्चे जितने भी कॉलेज पढ़ते हैं, चाहे वुमेन कॉलेज अनंतनाग है वहाँ हमारी बच्चियाँ जाती हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो अपना डिग्री कॉलेज अनंतनाग में जाते हैं, क्योंकि बनिहाल के कॉलेज में भी बहुत सा डिपार्टमेंट्स अभी नहीं खुले हुए हैं, तो वो बच्चे भी जाते हैं। साथ में हमें कोई शॉपिंग या दवाई, कोई स्पेशल मेडिसिन के लिए जाना होगा, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना होगा, तो हमें, क्योंकि बनिहाल में डॉक्टर्स की फैसिलिटी है नहीं, तो हमें वहाँ जाना पड़ता है। तो जो हमारा, जो जैसे हमारा 500 रुपया लगता था, अब 200 में हमारे जो लोग हैं वो वापस आ जाएंगे, और टाइम भी बचेगा, और उनके पास ये टेंशन नहीं कि ट्रेन जो है उसका टाइम ये है, हम पहुंचे ट्रैफिक जैम है। जो सबसे बड़ी इसमें रियायत होगी, जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा, जो हमारे पेशेंट्स यहाँ से रेफर होके अपना श्रीनगर जाते थे, अनंतनाग जाते थे, उनको अब एम्बुलेंस को ट्रैफिक जैम में नहीं फंसना पड़े। پیر محل کریری پٹنک لوکو طرف شکایت باوان ون آمت زدو علاقہ من زمین وسط سیاحن رہائشی مکان نقصان سپد تو انتظامی کو ذمہ دارو طرف وز وز صورت حال جائزہ ہین تاہم آج تام متاثر عیال ہن بہبودی حوالے کھانا قدم تلنا آمت یم کن متاثر لوگ مشکل من ہین آئی متاثر لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت زیادہ معاملس کن گھس خصوصی زون دن یون یت زن تم مزید مشکل ویترین پین تھی وچو اس یہ مکان تہ لوگمت کریک گھنہ ہت مکانس تہ کریک ہو مکان تہ تیار پریشان اس گمت عیال ہیتھ اس دپا اس کرو تو کرو کہن نہ انسانس روزگار تیت اتی دپو آ ول سا روزگار ہوتت ہمو زمین کن الگ گھو تکن اس پریشان حال ونکنس عیال ہیتھ اس دپا اس کرو تو کرو کیا یہ مکان گو اس ونکنس ڈیرس بہت ام پانچ پانچ ساس دن دون کمرن کرائے ٹوٹل ات کرانی کھینچ یسان گورمنٹس اپیل کریں اگر اس کن جائیں دہان زمین پانچے ملر ستے ملر اس کرو شفٹ اس ڈی سی صاحب تیوان اوتر آ تحصیلدار صاحب تم ہمس نوٹس تھومت ہمس گرس تھی نیرو سا یت گرس تھو تھی نیرو سا تھی نیرو سا مگر ہاان اس جائے وائے کھین اس کتت گھو اگر اس ہاان کن جائیں یہ کھانے جگہ اس گھو بنو تی شڈ وڈ تو یہ ژلو یہ شر ہیتھ مگر کران یت کہیں کی نوشہرا چھانپور کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت زدوئے مقامی نالس من گندگی ہند ڈیر جمع سپدن ست علاقہ من لوکن ہند لسن بسن مشکل سپدمت تو امہ حوالہ کئی پھر متعلق محکمہ زان فراہم کرنا آئی تاہم آج تام کھانا قدم تلنا آمت مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت زالچ صفائی حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنے یین یت زن لوکن مزید مشکل ویترین پین نا چھانپور ہت آمت تاونس مز چھان پھک تو بوائے مچھ تو کم چھان بیمار گا ساری خاندار موضوع امی شر مے پانس شکر لگن چس بہ پان مے ونان نہ درواز مزرا نہ ونان دور مزرا ات آئے تو مگر کرک نا امیک دھیان کہین تروک اور پش پھچ نالا تھا بہت اچھا نالا اس میں نہاتے بھی تھے لوگن چھانہ پورہ سے یہ گزرتا تھا یہ آتا تھا ادھر سے سورہ سے بچپورہ سے اب اس میں جتنی بھی ڈرٹ نکلتی ہے بچپورہ سے وہ اس نالی میں جاتی ہے بیچ میں اس کی انکروچمنٹ بھی ہو گئی ہے تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈویژنل کمشنر سے لے کر کمشنر میونسپلٹی تک ہم نے اپروچ کیا محلے والوں نے کہ یہ یہاں پر رکا ہوا ہے پانی ہے گھروں میں یہ سی پی ہمارے جو کمروں میں آتا ہے یہ پانی تھوڑا بارش ہو جائے گا کمروں میں آ جائے گا جتنے بھی لوگ اس میں رہتے ہیں اس ایریا میں ادھر سے ویترناک تک تو لیکن اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا ہے حالانکہ سوچھ بھارت سارا گورنمنٹ آف انڈیا سے پیسہ آ جائے گا پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے ان کاموں کے لیے وہ پیسہ دے رہے ہیں دیتے دیا بھی تھا لیکن یہ مس یوٹیلائز ہو رہا ہے یہاں کی طرح کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا ہے تو اب آپ سے آپ کے مادھیم سے ہم ڈویژنل کمشنر ڈپٹی کمشنر سری نگر میونسپل کمشنر جو بھی وہاں کے اعلیٰ حکام ہے ان تک آپ کے ذریعے مادھیم سے آواز پہنچاتے ہیں کہ اس کی فوراً سے فوراً اس کی کھدائی کی جائے گی صفائی کی جائے گی تاکہ ہم امن سے یہاں رہیں گے چین سے رہیں گے یہ جو سمیل ہے بیڈ سمیل یہ ختم گریڈ کالونی عیدگاہ سری نگر کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت زدوئے سڑکی ہن خستہ حالی حوالہ کئی آئی پھر حکام زان فراہم کرنا آئی تاہم چھن شہر پر حوالہ آج تام کھانا قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کر آمت سڑکی ہن شہر پر حوالہ گھن قدم تلن یین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرن یین
ईदगाह वांगन पूरा ग्रिड कॉलोनी, ये जो ग्रिड रोड है इसकी हालत देखिए आप, इसकी हालत कितनी ख़राब है। पिछले 2-3 सालों से यहाँ इस रोड को ये ड्रेनेज वाले आए उन्होंने काटा, फिर आए PHE वाले उन्होंने काटा, फिर आए PDD वाले उन्होंने भी एक रोड काटा, फिर उन्होंने ऐसे ही छोड़ा। अब हमें पिछले 2-3 साल से बहुत मुश्किल हो रही है इस रोड की वजह से, क्योंकि ये रोड डॉक्टर अलीजा रोड की तरफ जा रहा है और ये यहाँ से जाता है वहाँ सोरा हॉस्पिटल भी। ये इस रोड पे इतनी अहमियत है कि यहाँ पे ग्रिड स्टेशन है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे ओल्ड एज है, यहाँ पे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन हम बहुत बार हुकाम के पास गए, उन्होंने अभी तक हमें इस बारे में कोई सहूलियत नहीं पहुँचाई। अब हम यही चाहते हैं कि हमें इसके लिए बहुत जल्दी ये सहूलियत पहुँचनी चाहिए। ये रोड अलीजा रोड पर योर ये सर्कल स्कूल अच्छा प्राइवेट स्कूल अमन तचार बचा और वर्दी छल छकान योर तुम ग रब हांगल बिचार बनम तुम ये रोडस कहान दिवान गा आराम वात्या इन सहूलियत वात्या इमो PHE वाले बाकी डिपार्टमेंट थे पाइप यपक वहर नोर यह सड़क करान कुन तरीक तुम प्लेन कर पत् कर मेगडमाइज तम से वात महल यप आराम वात्या मगर ये कंस ख्याल इन सान हुकाम तम वात यह कत ताकि यु रोड ग बिल्कुल ठीक यप ताकि पक रोज तमो कुछ मुजरा कुछ इलाक में ट्रैफिक निजाम मज बेहतरी अन ट्रैफिक कानून पे अमल कर हवाल तरबियती जानकारी प्रोग्राम इंतजामिया तरफ कर सोपर मज एक ड्राइवर संग्राम क्रासिंग पे तैनात ट्रैफिक पुलिस एहलकार पे इल्जाम अद कर वोनमुत रिश्वत न दिन पे तिज ग सीज कर आम ये तिम निश तमाम कागजात मुकम्मल नौजवान ड्राइवर सरफ इंतजामिया मांग कर आम अत मामलस कुन गोन दिन युन युन नुबार इथ वाक पेश य पुलवामा से सोपोर आ रहा था तो उन्होंने मुझे संग्रामा चौक में ट्रैफिक वाले ने मुझे रोका तो उन्होंने मुझे बोला डॉक्यूमेंट दिखाओ। मेरे गाड़ी में ऑलरेडी डॉक्यूमेंट मौजूद थे, मैंने उनको बोला कि मैं आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। उन्होंने मुझे मेरे साथ मिसबिहेव किया, उन्होंने बोला कि हमारे पास ऑनलाइन डॉक्यूमेंट दिखाने की कोई गवर्नमेंट ने कोई ऑप्शन नहीं रखी है, आप कागज़ लाओ। मैंने बोला मैं लाऊंगा कागज़ गाड़ी से। उन्होंने तब तक मुझे बोला कि आप हमें पैसे दे दो तभी हम छोड़ेंगे। मैंने पैसे देने से इनकार किया। जब तक मैंने गाड़ी से डॉक्यूमेंट लाए तब तक उन्होंने मेरी गाड़ी को सीज किया है। मेरे पास डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मतलब बराबर है, RC फिटनेस इंश्योरेंस पोल्यूशन सब कुछ फिट है। उन्होंने मेरी गाड़ी को सीज किया है। अब मैं सीज करने के बाद मैं चला गया कोर्ट में। कोर्ट में मुझे वकील मांग रहे हैं 5,000 गाड़ी को रिलीज करने में। देखो मैं गरीब बंदा हूँ, मैं कहाँ से लाऊँगा ये 5,000। अब मैं IG ट्रैफिक ARTO बारामूला से यही गुजारिश करता हूं कि आज ये मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ ना हुए। अब इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर मेरे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बराबर हैं तो फिर मेरी गाड़ी किस वजह से सीज की गई है। हिंदवर बस स्टैंड सत वस्त ड्राइवर तरफ से शिकायत बवान वन आम यदि बस स्टैंडस मज बुनियादी सहूलियत आय तवनस तो सफाई हवाले कई आई फिर इंतजामी कन अफसर जोन बस स्टैंडस कुन फिर आव ताहम कदम तुलना आमुत यम कि ड्राइवर तो मुसाफिर सठा मुश्किल वेतरन पे मुतलिक ड्राइवर तरफ से इंतजामिया मांग कर आम बस स्टैंड साफ सफाई हवाले गन संजीद कदम तुलने यन युन मुसाफिर तो ड्राइवर मजीद मुश्किल वेतरन पे। अगर हम स्टैंड वाले इतने फीस भी दे रहे हैं, टाउन का फीस भी दे रहे हैं, हर कोई चीज़ का दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, तो इतने कूड़े करकट यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बीमारी पैदा हो सकती है और हमारे लिए रहने सहने की जगह भी नहीं है। और खुद ही देख लीजिए सर, यहाँ पीने का लिए पानी भी नहीं है, सफाई भी नहीं है, मुश्किल से एक ही भाई बाथरूम यहाँ पर बना हुआ और कुछ भी नहीं है, इतनी सफाई होनी यहाँ पर। बारिश के वक्त बस हम सब सर से नीचे ही रह रहे हैं और हमारी माँ बहन यहाँ तो गाड़ी में बह रहे हैं, लेकिन हमारी माएँ बहनें वो तो बीच रोड पर ऐसी बारिश के नीचे आ रहे हैं। उनको पता ही है सर, हम तो कितनी बार उनको बता दिया। हमारा भी सोच लीजिए, यहाँ पर पैसेंजर शेड है, डंपिंग बनाया यहाँ पे, एक ही पैसेंजर शेड है यहाँ पर, उसके भी ऊपर भी भर पा रहा है, वो भी टूट गया सर वहाँ पर। वाटर टैंक की बात करेंगे या फ्लड स्ट्रीट लाइट की बात करें, स्ट्रीट लाइट यहाँ पे नहीं है? नहीं है सर। बड़गम मजाजी इंतजामिया तरफ मार्केट चेकिंग अमल मज अन्ना आम ये दौरान दुकानदार नरख नाम चेक कर आए अत मौक पे कहान दुकानदार निश मौकस पे जुर्मान तसूल कर आव तत जिम्मेदारों तरफ दुकानदार तंबे कर आम तम ग सरकारी नरख नाम पे अमल करें युन तिम खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्ना।
क्योंकि जब 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 जहाँ जहाँ पे हमने देखा है लोगों की डिमांड रहती है, पहले फ़ोन करते हैं फिर उस टाइम बोलते हैं कि रेट ज़्यादा है, जब हम सुपर पे जाते हैं तो उस टाइम बोलते हैं नहीं रेट कम है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, जब तक लोग हमको ताउन नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। वो फिशरीज डिपार्टमेंट खुद बेच रहे हैं 500 के पर के जी के हिसाब से, और यहाँ पर मैंने देखा है ये बोलते कि ये 250 के रेट में बेचते हैं, और जब मैं वापस चढ़ा तो लोग उन्हें बोला मुझे 700 में देते। तो नाज़रीन इत सत वोत कशर खबरनामा दीव इजाज़त खुदा सवाल।